मैं डॉक्टर ऋषभ और फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट फ्रॉम चाइना, और आज मैं आपको बताऊंगा अपने MBBS अब्रॉड की जर्नी आफ्टर 12th। लाखों स्टूडेंट की तरह मैं भी नीट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान था। सोसाइटी का प्रेशर, रिलेटिव का प्रेशर और अपना खुद का प्रेशर अलग ही था, और इन सब के बीच सबसे बड़ा प्रेशर स्टडी का। लाखों स्टूडेंट की तरह मैं भी इस भाग दौड़ में खुद को भूल चुका था। स्कूल, कोचिंग, मॉक टेस्ट, एक्स्ट्रा क्लासेस, सेल्फ स्टडी, इन सब कर करके मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था। और ऐसा करने वाले मैं अकेला ही नहीं था, लाखों स्टूडेंट हर साल ऐसा करते हैं। क्या आप उनकी परेशानियों का अंदाज़ा लगा सकते हैं? फिर मैंने एक दिन सोचा, हर साल नीट के लिए लाखों स्टूडेंट रजिस्टर्ड होते हैं, एक बराबर मेहनत भी करते हैं, न कम न ज़्यादा, फिर भी सिलेक्शन कितने का हो पाता है? बहुत कम स्टूडेंट का। यानी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो डॉक्टर बनने के लायक नहीं थे। आइए इस पे बात करते हैं। इसी साल का डेटा उठा लें तो 18.5 लाख के करीब स्टूडेंट ने नीट के लिए अप्लाई किया है। अब चलिए सिस्टम और सोसाइटी के माइंडसेट से ही बात करते हैं। 18.5 लाख में से 5 लाख ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि पढ़ाई के नाम पर अपने गार्जियन के साथ धोखा कर रहे हैं। बचे 13.5 लाख के स्टूडेंट, मान लेते हैं इसमें से 5 लाख के स्टूडेंट डॉक्टर बनने के लायक नहीं थे। मैं इसका कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, क्योंकि हर स्टूडेंट का डॉक्टर बनने का एक समान अधिकार है। लेकिन सोसाइटी की माइंडसेट है, सिस्टम की माइंडसेट है, तो हम इसी पे बात करेंगे। अब बचे हमारे पास 8.5 लाख के स्टूडेंट्स। चलिए 5 लाख का और निकाल दिया बिना किसी कारण के, फिर भी बचते हैं 3.5 लाख के स्टूडेंट्स। सीटें कितने को मिलेंगी? चंद 60 से 70 हज़ार लोगों को। इसका मतलब बाकी सभी स्टूडेंट इस देश में डॉक्टर बनने के लायक ही नहीं थे। मैं इसका कड़े शब्दों में निंदा करता था, करता हूँ और करता ही रहूँगा, क्योंकि मेरा मानना है एक अच्छा डॉक्टर ना ही 11th 12th की मार्क्स से और ना ही नीट में अच्छा नंबर लाने से बनता है। एक अच्छा डॉक्टर अपने मेडिकल कॉलेज में बिताए गए 5 साल में किए गए मेहनत के दम पे बनता है। अब जिस छात्र को हमने वो मौका ही नहीं दिया, क्या पता उनमें कोई साइंटिस्ट हो, कोई वर्ल्ड क्लास का सर्जन हो, कोई वर्ल्ड क्लास का फिजिशियन हो, हमने तो उन्हें खो दिया। जिम्मेवार कौन इसका? छात्र है, उसने पढ़ाई नहीं किया, टाइम पास किया, डॉक्टर बनने का लायक नहीं है, गधा है, बेकार है, यूजलेस है। क्या क्या बातें सुनने को मिलती है। इतना कुछ सुनने के बाद भी एक नीट एस्पिरेंट हार नहीं मानता, बार बार लगातार उसी नीट के लिए कोशिश करते रहता है। क्या आप उसकी मानसिक स्थिति को अंदाज़ा लगा सकते हैं? जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं है, मेहनत कर रहा है पूरी ईमानदारी से, फिर भी उसको सीट नहीं मिल रही। दुख होता है ये सब देख के। समझ नहीं आता मैं अब आगे क्या बोलूं। आपने 3 Idiots मूवी तो ज़रूर देखी होगी, उसमें एक डायलॉग है, अगर दिमाग के अंदर प्रेशर नापने की मशीन बनी होती तो नीट एस्पायरेंट के दिमाग का प्रेशर किसी प्रेशर कुकर से ज़्यादा होती, किसी स्टीम इंजन से ज़्यादा होती। तो क्या किया जाए? छोड़ दी जाए पढ़ाई, तोड़ दिया जाए अपने माता पिता और अपने डॉक्टर बनने का सपना। एक समझदार आदमी कभी परेशानियों से भागता नहीं है, वो डट के उनका सामना करता है और समाधान निकालता है। क्या है इस समस्या का समाधान? मेरे पास उस समय 2 रास्ते थे, या तो मैं पढ़ाई छोड़ देता, या मैं फिर बाहर जाके किसी अच्छे कोचिंग संस्था में 2-3 साल नीट का तैयारी करता। जाहिर सी बात है 2-3 साल प्रिपरेशन करने में नीट मेरा निकल ही जाता और इंडिया में मुझे कॉलेज मिलता। लेकिन मैं उसके बदले में क्या गवाता? अपने फादर का 8-10 लाख रुपया, इतना तो लग ही जाता है बाहर रहकर कोचिंग करने में, रहने में, खाने में। एक और रास्ता था MBBS अब्रॉड का रास्ता, जहाँ मैं यहीं 10-12 लाख रुपये का इस्तेमाल मैं अपने मेडिकल की पढ़ाई में कर सकता था, और सबसे बड़ी बात अपना 2-3 साल का जो समय मैं देता इधर प्रिपरेशन में वो मैं सेव कर सकता था, और उसका इस्तेमाल मैं एक अव्वल दर्जे का डॉक्टर बनने में कर सकता था। तो आइए जानते हैं मेरी अब्रॉड की सफ़र। मेरे साथ धोखा हुआ, लेकिन धोखे की वजह से डॉक्टर बनने का सपना तो नहीं छोड़ सकता था, लेकिन ये धोखा हुआ, इसमें गलती सिर्फ किसी एक इंसान की थी। जैसे हाथों की 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती, वैसे ही हर किसी के साथ धोखा भी नहीं होता। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बिना धोखे के अब्रॉड से MBBS की पढ़ाई की और आज इंडिया में एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं। MBBS अब्रॉड का नाम सुन के आपको भी यही लगा होगा कि ये तो करोड़ों की बात है, एक मिडिल क्लास वाला कहाँ से अफोर्ड कर पाएगा। उस समय मेरे को भी लगा था, लेकिन असल में आप अब्रॉड से MBBS की पढ़ाई उतना में ही कर सकते हैं जितना आप प्रिपरेशन में देते हैं, यानी कि जितना आप नीट की तैयारी के लिए कोचिंग में खर्च करते हैं। आप रसिया, चाइना, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, यहाँ से मेडिकल की पढ़ाई, पूरी की पूरी मेडिकल की पढ़ाई आप 15 से 20 लाख के बीच में कर सकते हैं। इसमें हॉस्टल फ़ी और ट्यूशन फ़ी इंक्लूडेड होता है। मेरी मेडिकल की पढ़ाई चाइना से हुई, उसमें जहाँ तक मैं बताऊँ यही 15 से 20 लाख लगे हैं।
मेरा कुछ ज़्यादा लग गया क्योंकि मेरे साथ थोड़ा वो फ्रॉड हो गया। मेरे जो कॉन्ट्रैक्टर या कंसल्टेंट था वो ज़्यादा चार्ज ले लिया मेरे से, मेरा फी लेकर गायब हो गया, एक दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा दिया, फिर वहाँ फी फंस गया, ऐसे था। लेकिन सभी कॉन्ट्रैक्टर एक जैसे नहीं होते, और उस धोखे की वजह से ही मैंने ड्रीम MBBS स्टडी अब्रॉड ज्वाइन किया एज ए बोर्ड मेंबर, ताकि मैं सुनिश्चित कर सकूं कि आगे से किसी भी छात्र के साथ स्कैम ना हो जो मेरे साथ हुआ। अब हम पूरी दुनिया को तो नहीं रोक सकते, हाँ, लेकिन मुझे ये जान के खुशी है जितने भी बच्चे ड्रीम MBBS स्टडी अब्रॉड के पास आते हैं उनका सारा काम स्कैम फ्री होता है और फुल ऑफ ट्रांसपेरेंसी होता है। मैं इस समाज में अपना योगदान देकर खुश हूँ। अगर मैं एक भी बच्चे की मदद कर पाता हूँ तो मेरा सौभाग्य है। थैंक यू सो मच।